और भारतीय जनता पार्टी के बंधक बने चुनाव आयोग ने भाजपा के लिए सेट किया एक दूसरा मापदंड। चुनाव आयोग को निष्पक्ष रहना चाहिए। चुनाव आयोग एक बंधक कठपुतली की तरह मूक दर्शक बना रहता है। यही वो तस्वीर है जिस पर कांग्रेस ने बीजेपी पर आचार संहिता के उल्लंघन की उंगली उठा दी है। साबरमती के रानिप में वोट डालने के बाद लोगों की भीड़ को खुली गाड़ी से पीएम मोदी के अभिवादन की तस्वीर ने गुजरात में नया विवाद खड़ा कर दिया है। कांग्रेस ने इसको आधार बनाते हुए एक के बाद एक चुनाव आयोग पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप है कि पहले चरण के मतदान से एक दिन पहले पीएम मोदी दूसरे चरण की रैली में बीजेपी के हक में वोट डालने की अपील कर रहे थे। पहले चरण से एक दिन पहले यानी 8 नवंबर को बीजेपी ने मैनिफेस्टो जारी किया। आदर्श आचार संहिता के तहत सार्वजनिक संपत्ति का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, लेकिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने एयरपोर्ट पर प्रेस वार्ता की, जो कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग बीजेपी सरकार की कठपुतली की तरह काम कर रहा है और सरकार के ही दबाव में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। कांग्रेस नेता सुरजेवाला ने सीधे मुख्य चुनाव आयुक्त को पीएम मोदी का हितैषी पता डाला। शायद मोदी जी ने अब ये निर्णय कर लिया है कि इस देश में कोई संवैधानिक संस्था अब बचेगी नहीं। मुख्य चुनाव आयुक्त जो PS2 श्री नरेंद्र मोदी होते थे, हमें लगता है कि वो संवैधानिक पद पर बैठ तो गए, पर आज भी वो मोदी जी के PS की तरह ही काम कर रहे हैं। कांग्रेस की शिकायत के बाद इधर बीजेपी की तरफ से कई केंद्रीय मंत्री चुनाव आयोग के मुख्यालय पहुंचे। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस के आरोपों को बेबुनियाद बताया। कांग्रेस की शिकायत का संज्ञान लेते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त AK ज्योति ने गुजरात चुनाव आयोग से रिपोर्ट तलब की थी, जो आयोग को मिल चुकी है। The report has been received in the midday and in the run up to the election, the entire election has been, commission has been busy and the commission is still doing the due deliberation on the report received by the chief electoral officer and we will let you know as the commission takes decision on this. आज से संसद का शीतकालीन सत्र शुरू हो रहा है और मुमकिन है कि ये मुद्दा संसद में भी बीजेपी कांग्रेस के बीच विवादों की वजह बने। ये है ABP News, आपको रखे आगे।